मम्मी कितने टाइम बाद गांव में आए ना हम। हाँ गांव तो आए हैं बेटा, लेकिन एक काम करना, अपने इसके जवान बंद कर रखना, ये बहुत चबड़ चबड़ करती है। ये मेरा मायका है, इसकी ससुराल नहीं है, बोलती रहे वहाँ पे। ये मेरा मायका है, तेरा मायका नहीं है, समझ में आई? अरे मम्मी आप बिना बात यहाँ सब बड़े बूढ़े आएंगे, सब लोग आएंगे, ऐसा ना नाक मत कटा देना मेरी, थोड़ी कम बोलना ठीक है मम्मी। अच्छी अच्छी बातें करो, चलो ना। अरे नहीं, इसकी जवान को कोई रोक नहीं सकता, ये बहुत बोलती है। नहीं नहीं अभी नहीं बोलूंगी, चलो तो आ जाओ। चलो सुनो तुम प्लीज यहाँ पे शांत रहना थोड़ा यार। कैसी बातें कर रहे हो, मेकअप चिल्लाती हूँ और तुम्हारी मम्मी के आगे कोई चिल्ला सकता है? उन्हीं की आवाज इतनी तेज है, कितना झूठ बोलती है तुम्हारी मम्मी। यार पूरे टाइम गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। मुझे मत समझाओ, अपनी मम्मी को समझाओ, समझे तुम? अपनी मम्मी के साइड रहते रहो हमेशा। हम यहाँ फंक्शन में आए हैं, मूड अगर कुछ भी खराब हुआ तो तुम्हारा भी खराब ही रहेगा ना, हम इंजॉय करने आए हैं यहाँ पे, समझो। इंजॉय? पहले डांट दिया और अब मैं इंजॉय करूँ? पता नहीं अंदर क्या क्या होगा। चलो नमस्ते, 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 नमस्ते बेटा, नमस्ते, 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 ऐसे नमस्ते होती है? ये मेरी दोस्त है, पैर छू के नमस्ते करो। नमस्ते, 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 नमस्ते। अरे घुटने मत छुओ, पैर छुओ। अच्छा खुश रहो बेटा। नमस्ते, 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 खुश रहो। अरे बड़ी सुंदर बहू है, कहाँ से लाई है? बड़ी प्यारी बहू है भाभी जी, ये तो जैसा फोटो था उससे भी ज्यादा प्यारी है, बहुत प्यारी है, सच में बहुत प्यारी बहू है। बहुत सुंदर बहू, पहले तो ऐसी थी लेकिन अब तो बहुत अच्छी लगती है। मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ लिया, ये भी बताना पड़ेगा। आती हूँ। वाह यार, सबने मेरी खूब तारीफ करी है, लगता है मैं सच में और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हूँ, शादी से भी ज्यादा, तभी तो सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। और मेरी सासू मॉम जल रही थी, तो जलती फुकती रहती हैं। पानी देती हूँ और अच्छी बन जाती हूँ। कैसी बहू लेकर आई हो, पहले फिर भी थोड़ा ठीक लगती थी मेकअप करके, अब तो नहीं अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, है ना? हाँ। अरे एटीट्यूड भी कुछ ज्यादा सा आ गया है। ज्यादा, बहुत ज्यादा है, देखा नहीं है? पानी भी लेना नहीं की, पानी के लिए बोलना पड़ा है तब लेना गई है पानी भी, बताओ ऐसी बहू है? मैं तो उनको कितना अच्छा समझ रही थी, ये लोग तो बड़ी गंदी निकली, मेरी बुराई कर रही है। सामने तो बड़ी तारीफ कर रही थी और ये दोनों अपनी सास के साथ ये भी मिल गई, सच में कितनी बुरी है ये औरत। देख ले आज भी मेरी बहन की बहू कितनी अच्छी लग रही है, कैसा चेहरे पे गिलो, कैसी गोलमोल पड़ी है, हैं? अरे गुस्सा देख ले मेरी बहू को। वो तो हूँ बहुत से, हमेशा आपकी बहू से ग्लो ही करूंगी, कभी देख ले। सही कह रही है बेटा। ऐसा मौसी जी, आपकी वो तो करा लिप्पा पोती, मैं जो हूँ ओरिजिनल हूँ, बिल्कुल देसी गांव की हूँ, खा पी के ऐसी गोरी चिट्टी हो रही है। सही कह रही है बेटा। दादी को भी कुछ खिला दे करो मौसी जी, मेरी सास से आइडिया ले लो। अरे वो नहीं खाती, वो तो कहती है मैं तो डाइट कर रही हूँ, ऐसा रहना मेरे को, ऐसा रहना, मेरी सास फिगर मेंटेन कर रही है। सास से पूछ लो भाई, तुम मौसी जी अपनी बहू को परेशान करते दिखो, अपनी सास को तो तू ही झेल भूल गई थी मुझे चेयर पे बैठना है। वो क्या है ना, मौसी जी ने सिखाया है कि हमेशा बड़ों के नीचे बैठते हैं। मेरी सास ने तो मेरी नाक में दम करके रख रखा, ठंडा पानी भी ना पीने दे। सास तो मेरी इतनी परेशान करे, मौसी जी तो बहुत सही है, मेरी सास होती ना तो अभी ठीक करके रखती मुझे। बात तो सही कह रहे हो, मेरी सास सच में सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, लाखों में एक है ना। बुराई कर रही है, क्या कर रही है? अरे तारीफ कर रही हूँ आपकी सबके सामने, और क्या करूँ। फिर जवान चैनल लगे? नहीं नहीं मैं तो सिर्फ बता रही थी सबको, है ना। अभी तुझसे क्या क्या कहलाई मैं? अच्छा मेरी सास मेरी कभी तारीफ नहीं करे, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। अच्छा मेरी तारीफ करती है? तेरी तारीफ करे, तेरे आगे ही ऐसे कर रही। मेरी सास तो ना आगे तारीफ करे ना पीछे तारीफ करे, दूध भी ना देती, दूध में भी पानी मिला के दे दे। अच्छा मौसी जी तो बहुत अच्छी, बड़ा प्यार करे, तेरे सामने ही कह रही, बाद में बहुत तारीफ करे मेरी सास से। अच्छा मेरी सास बुराई करती रहे सबके सामने, मैं कितना ही काम कर लूं। और पता है मेरी सास तो मुझे काम भी नहीं करने देती, खुद ही करती है। मेरी सास तो एक पानी का गिलास उठा के इधर से उधर भी ना रखे, सारा मुझसे ही करवाए, पर फिर भी मैं मोटी तंग हूँ। वो मौसी जी इतना प्यार करे फिर भी इतनी सूखी सी क्यों? क्योंकि वो डाइटिंग चल रही है ना, इसीलिए। मतलब मुझे डाइटिंग पसंद ना है, मुझे हट्टी कट्टी की सास से मुकाबला करना पड़ेगा। मेरी सास तो इतनी लड़ने वाली, मैं नहीं ना करा, तेरी तो इतनी अच्छी, कभी सोचिए भी ना बहन। हाँ बहुत ही अच्छी है, अब बात करो मैं आती हूँ। ठीक है। अरे बाप रे कितनी गर्मी है, इनका गाँव है कि क्या है, हर जगह दीवारें ही दीवारें, ऐसा भी कोई गांव होता है क्या? खुला ही एरिया नहीं है, इसको गांव बोलते हैं? पता नहीं कब जाऊंगी मैं, और बाल खोल के और आ गई हूँ, गर्मी से मेरा दिमाग खराब हो गया है। और साड़ी ऐसी पहनाई है, उसके ऊपर ये ज्वेलरीज,
मतलब इतनी गर्मी में सोना कौन पहनता है? नहीं मगर इनको दिखाना है, दिखावा दिखावा कर करके ही आगे बढ़िएंगे, वरना तो कुछ नहीं है इनके पास। मेरी दौरानी कैसी है? सही है दौरानी, सही है, बढ़िया। संदारी? हाँ बिल्कुल, काम वाम कर लेना, कहीं कुछ ना करती, एक गिलास भी उठा के ना रखती। मेरे तो घर में पता नहीं कितने नौकर चाकर लगे हुए। न मौसी जी आप तो बहुत अच्छी, फिर भी मेरी सास से तो बहुत अच्छी हो आप तो बहुत प्यार करो मेरी दौरानी को। हाँ, मेरी सास से पूछ के देखो, मुझे कभी प्यार ना करती। और तेरी सास प्यार करने लगी थोड़ा बहुत? नहीं अभी नहीं करती, सारे दिन काम में लगाए रखे है। अच्छा, खाना भी चुपचाप खाना पड़े, नहीं तो छीन ले रोटी। अभी क्या कह रही मेरे बहू के सामने कि मेरी तेरी सास तो दूध में पानी मिला के दे। हाँ? तब भी इतनी मोटी हो रही है? बस पानी से ही हो रही है मोटी, पानी से ही हो रही है मोटी। मुझे लगा घी चुरा चुरा के खाती दिखे। नहीं चुराना पड़ा, जो काम करूँ तो घी भी चुरा के खाऊंगी, जब तो दिख रही है। घर चली जाऊंगी एक एक महीना, वहाँ जाके खाऊंगी। अच्छा कैसे चली जाने मेरी बहन इतने दिन के लिए? मेरी सास को भी थोड़ी सी मुझसे राहत चाहिए तो चली जाऊँ, फिर एक महीना ये ना देती। रोटी पे भी पानी लगा हुआ है रुई से, घी की जगह। बकवास मत कर इतना भी। हाँ तू पानी लगा के खा ले, तेरी सेहत दिख रही है। सेहत मेरी बहुत सारी है, गुड़खा खाओ मेरी माँ से, घी खिलाओ। एक महीने का घी बहुत तेरे सालों चल रहा। हाँ किसी के भी लिए इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची है वो सब समझ जाएगी आगे। इनिशियली आपको बेटी समझना पड़ेगा, आप बेटी समझोगे जभी तो वो माँ समझेगी। जब तक आप किसी को बेटी नहीं समझोगे तो वो आपको माँ कैसे समझेगी? चलो कुछ ज्यादा ही शिक्षा दे रहे हैं। देखा चुड़ैल को कितनी बोल रही, कितनी जुबान चला रही, ऐसे तो हम बेच के खा जाए, ऐसे तो जेब में पड़ी रहे। इतनी प्यारी बहू है फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई। हाँ बस और कुछ काम तो है नहीं, तेरी बुराई मेरे से, मेरी बुराई तेरे से, दोनों की दोनों। मैं क्या कभी बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ चली गई बोल। हाँ घर में आग लगा रही, इतनी अच्छी बहू है। बस यही काम है सारे दिन, एक दूसरे की बुराई करना ही, और कोई काम तो है नहीं, दोनों की दोनों बुराई करो जहाँ। अरे छोड़ो जो कर रहा है करने दो, हम चलो हाँ, चलो पार्टी करते हैं। हम किटी पार्टी करके एंजॉय करेंगे, आज तो खाना भर भर के खाऊंगी मैं। अरे वाह तुमने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया। हाँ भूख लगी है मुझे। सुनो थोड़ा कोने में जाके खाना, तुम घर की बहू हो और थोड़ा कम खाना। ये कैसी बातें कर रहे हो, घर की बहू है तो खाना नहीं खा सकती है क्या? मैं तो खाऊंगी और सबके सामने खाऊंगी, समझे तुम? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अपना मजाक अपने पास रखो, मुझे नहीं सुना तुम्हारा कहने पर, हट यहां से। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था इसके साथ। कितने सारे पकौड़े, एक काम करते हो यही प्लेट ले जाती हूँ। अच्छा ठीक है ले जाओ ले जाओ, कुछ मेरे लिए भी रख लेना। आओ। अच्छा बहुओं का हाथ का तो खाते नहीं है तो तुम कैसे खाओगे? अरे तुम तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें ही पता है मैं मजाक कर रहा था। हाथ उठाओ ले लो खुद से, मुझे ये खाने दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, यहाँ पर आने का वेट था और उसमें भी इन्होंने लेट लगा दिया, मुझे कुछ खाने दो, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात सुनो, मैं पॉलिथीन लेकर आया हूँ, कुछ भर के भी ले चलेंगे उसमें। सच में? हाँ। यार तुम तो सच में बहुत अच्छे हस्बैंड हो, जल्दी से ले आओ ये आधा। हाँ। पैक कर लेंगे, आज मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ देखा। ये तो है, चलो अभी खा लेते हैं साथ में। आज ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो अच्छा जल्दी घर आ गई, अगर उस फंक्शन में और रहती तो पसीने पसीना हो जाती मैं। गॉड कितनी गर्मी थी उधर, मतलब हद होती है, ऐसे गांव में अपनी बहू को कोई लेकर भी जाता है क्या? इतनी बेकार सास है मेरी पूछो मत। अब इनको रख लेती हूँ, अपने पास ही छुपका के रख लिए थे इन्होंने, अब मैं अपने घर पर रखूंगी ज्वेलरीज को। यार ये नन्ना देख ले, चुपचाप जाना पड़ेगा, चुपचाप चली जाती हूँ, देखना ले कहीं भाभी। अरे आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप तो रेस्ट करने वाली थी। मैं आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा लेकिन आप दबे पाँव कहाँ जा रही हो? दबे पाँव कहीं नहीं जा रही हूँ, पैरों में दर्द हो गया था, इतनी गर्मी थी ना, बस अपने रूम में जा रही हूँ, चेंज करती हूँ साड़ी। वो सब तो ठीक है लेकिन निकालो। What? क्या निकालो? अरे निकालो जो सब मम्मी ने आपको ज्वेलरीज दी थी। ज्वेलरीज? हाँ। अच्छा कौन पहनता है इतनी गर्मी में, ये लो सारे जेवर ये रहे। Wow. अरे है ना। और ये कड़े? कड़े भी ले लोगे क्या? हाँ, निकालो निकालो जल्दी निकालो, वैसे भी गर्मी में कौन ये सब पहनता है, ये लो। गर्मी में मुझे ज्वेलरीज पहनना पसंद नहीं है, इतना गोल चढ़ा के गई थी पूछो मत। और जो सबसे पीछे पहने वो? ये तो मेरे हैं। ये तेरा मेरा क्या होता है भाभी, जो आपका है वो हमारा है और जो हमारा है वो तो हमारा ही है, जल्दी निकाल के दो। Yeah. अरे लेकिन ये तो इस सेफ में रखे रहते हैं, ये तो आपकी मम्मी के पास रहते हैं। अरे आपके सेफ बिल्कुल सेफ नहीं है, मैं रखूंगी या मम्मी रखेंगी संभाल के तो सही रहेंगे। कहीं खो दो या अपने मायके दे दो, जल्दी निकालो। सब निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं मैं वेट कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। एक फिर पकड़ लो। हाँ हाँ दो दो आराम से निकालो, खाली तो हूँ मैं। ना सुंदर कणा ये भी ले रही है। अरे दो क्या सोच रहे हो, देख के उसको भी निकालो जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ निकाल रही हूँ। मेरे हाथ ना ऐसे खाली खाली अच्छे नहीं लगते। हाँ तो ये पहन लो वापस लो। नहीं लोग बोलते हैं जब नई नई शादी हो तो गोल्ड पहनना चाहिए,
हाँ तो मैं आपके लिए मम्मी से बोल के बनवा दूंगी पतले पतले कड़े, ठीक है, गोल्ड के जो चूड़ी जैसा लगे, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे आपके ऊपर, ठीक है। अभी मैं इनको रख देती हूँ सेफ में संभाल के। ओके रख दे चुड़ैल, ये अपनी माँ पर गई है परकटी कहीं की, इसकी माँ भी परकटी और ये भी परकटी, इनको तो मैं बताऊंगी, मेरी भी ज्वेलरीज लेके चलेगी। बहुत चुड़ैल हैं दोनों, देखती हूँ कहाँ संभाल रही है। हाँ मम्मी कहाँ रखूँ? वो अपनी मम्मी से बात कर रही है। और पता है क्या, मैंने उसके हाथ के भी निकलवा लिए जो पीछे पीछे पहन रखे थे ना जानबूझकर, मैंने वो भी निकलवा लिए। देखो ना कहाँ पहन रखे थे, चूड़े के पीछे कौन पहनता है, सही किया ना। अब आप इन्हें पहन के स्टाइल मारना। हाँ हाँ मैं आप तक जल्दी पहुँचा दूंगी, ठीक है रखती हूँ। मेरे हाथ के सारे कड़े ले रही और अपनी माँ को दे रही है। हे भगवान क्या करूँ मैं इन दोनों चुड़ैलों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो उसकी माँ इसको अपने घर भी नहीं बुलाती, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ताकि इन दोनों की बैंड बज सके। कुछ सोच नहीं तो कुछ सोच।